कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए। तू जाने ना, जो सबसे पहला कॉर्ड है वो है जी मेजर, सेकेंड कॉर्ड है ई माइनर, उसके बाद है ए माइनर, उसके बाद डी मेजर, लास्ट में सी मेजर। फिर से देख लेते हैं, जी मेजर, ई माइनर, ए माइनर, डी मेजर, लास्ट में सी मेजर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं रिदम की तरफ। जो रिदम यूज किए कुछ इस तरीके से है, डाउन अप चक। चक का मतलब है टैप करना है आपको, ठीक है, टैप करके म्यूट करना है इसको। डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन अप चक। तो सिर्फ इतनी सी रिदम है, डाउन अप टैप, ठीक है, डाउन अप टैप, बस। कैसे बताए क्यों तुझको जान, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे सॉन्ग में ये इसी तरीके की रिदम चलती रहेगी, कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो डाउन अप चक, 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 ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए प्रोग्रेशन की तरफ चलते हैं। जो पहले लाइन की प्रोग्रेशन है वो है जी मेजर, डी मेजर, ई माइनर, डी मेजर, जी मेजर, D major, C major and D major, ठीक है। तो ये जितनी प्रोग्रेशन है सेकंड पैराग्राफ के लिए भी सेम रहेगी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, मिलके भी हम ना, अब D major आएगा, मिले इसके बाद E minor, तुमसे ना जाने, D major, क्यों, इसके बाद G major, मिलो के, अब वापस D major, ऐसे वापस सी मेजर, तुमसे वापस डी मेजर, जाने क्यों, ठीक है। तो जितनी भी प्रोग्रेशन है सेकंड लाइन के लिए भी सेम रहने वाली है, और हम रिदम के साथ प्ले करके देख लेते हैं। सेम प्रोग्रेशन नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए भी है, जाने सिले तुमसे क्यों, ठीक है। लास्ट के लिए क्यों, इसके बाद प्रोग्रेशन चेंज हो जाएगी, जी मेजर, ई माइनर, A minor and D major। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बताना पाए। रिपीट होगी सेम प्रोग्रेशन, बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए। तो G major, E minor, A minor and लास्ट में D major, ठीक है। और इसके बाद जो प्रोग्रेशन है वो सिर्फ G और D में। तू जाने ठीक है, ये चार बार रिपीट हो जाएगा। अब इसको रिदम में प्ले करके देख लेते हैं। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बताना पाए। नेक्स्ट लाइन सेम, बातें दिलों की देखो जो
सुबह की आंखें तुझे समझाए तू जाने ना जी डी तू जाने ना आगे बढ़ते हैं जितना आई हो आपको समझ में आ गया जी मेजर जो नेक्स्ट टाइम की प्रोग्रेशन है जी मेजर डी मेजर सी मेजर जी मेजर डी मेजर ई माइनर एंड लास्ट में डी मेजर डी मेजर सी मेजर उसके बाद वापस जी मेजर डी मेजर E minor. तो ये जो progression है ये same आगे भी जो paragraph है उसके लिए same रहेगी तो G major, D major, C major, G major, D major, E minor and D major ये कुछ इस तरीके से है वापस G पे नेक्स्ट लाइन सेम ठीक है तो आई होप इतना समझ में आ गया अब जो आगे की प्रोग्रेशन हुआ है सी जी सी डी एंड जी ठीक है तो कुछ इस तरीके से है जी मेजर तुम बस हो के भी वापस सी मेजर एहसास हो के भी अब डी मेजर अपने नहीं वापस जी मेजर ऐसे हैं ठीक है अपने नहीं ऐसे हैं ठीक है की बात की जो प्रोग्रेशन है हमको जी मेजर तुमसे ना ई माइनर जाने क्यों डी मेजर मिलो के जी मेजर वापस डी मेजर वापस सी मेजर तुमसे ना जाने वापस डी मेजर तो प्रोग्रेशन क्या है जी मेजर ई माइनर डी मेजर जी मेजर डी मेजर सी मेजर एंड डी मेजर तू जा उसके बाद जो है तू जाने जी टू डी तू जाने ठीक है इसको एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं हमको गिले तुमसे ना जाने क्यों मिलोगे एहसास तुमसे ना जाने क्यों इसके बाद तू जाने आपको समझ में आ गया हो अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो वॉचिंग माय वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए उसे लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मुझे सर्च भी कर सकते हैं बेहतर के नाम से बाय बाय